चलो सो लेट्स टॉक अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है, एडिशन एंड ठीक है. चलो व्हाट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. सपोज मेरे पास जेड वन है ए वन प्लस आई बी वन एंड जेड टू है ए टू प्लस आई बी टू और मुझे परफॉर्म करना है जेड वन प्लस जेड टू. तो व्हाट आई विल डू ए वन प्लस आई बी वन एंड ए टू प्लस आई बी वन आई विल एड आई बी टू आई विल एड है ना. आई एम एडिंग a1 plus ib1 and a2 plus ib2. Now while adding, always remember, real and real parts will get added. Okay? Always remember, what are parts? Real and real parts will get added. And imaginary parts will get added. ठीक है? Now, if similar lines पे अगर मुझे subtraction perform करना है तो a1 ib1 minus a2 ib2. So what I will do? Real real parts subtract करने हैं and imaginary parts subtract करने हैं. This is addition and subtraction. This way we perform addition and subtraction. अगर multiplication perform करना है तुम्हें complex numbers का तो multiplication perform करते वक्त same two complex numbers I'm going to take a1 plus ib1 a2 plus ib2. जैसे हम brackets open करते थे ना पहले polynomials वगैरह तुम्हें schools में chapters होते होंगे वो छोटे छोटे तो उसमें ब्रैकेट्स कैसे ओपन करते हैं वैसे ही हमें यहाँ पे परफॉर्म करना है मल्टीप्लिकेशन. ए वन इंटू ए टू देन ए वन इंटू आई बी टू देन बी वन इंटू ए टू दिस टर्म देन आई इंटू आई I square B1 B2, okay? इस तरीके से फिर कैसे आएगा ये A1 A2 plus I into A1 B2 plus B1 A2. I square minus one होता है ना so it's minus B1 B2. तो real real part club करो A1 A2 minus B1 B2. And imaginary parts club करो, which is I into A1 B2 plus B1 A2. अभी ऐसे अच्छे से समझेगा नहीं जब तक तुम questions नहीं करते हो ना तब तक समझेगा नहीं. But still temporarily लिखो इसको temporarily note it down. But questions जब करेंगे ना तब अच्छे से समझ में आ जाएगा. अभी थोड़ा सा ऊपर से समझ में आ रहा होगा. Note it down fast and inform me once you are done with the writing. जैसे मैंने सारे इसके एक साथ भेजे थे ना क्वेश्चंस तो आई मीन नोट्स ऐसे ही मैं इसे चैप्टर के एक साथ भेज दूंगी. ठीक है
चलो डन डन विद राइटिंग। कितने लोग आए रहे अभी? सिर्फ 8 पीपल आर देयर। व्हाई इज दिस सो? तुम्हारे तो एग्जाम्स भी नहीं चल रहे, 12th के एग्जाम्स चल रहे हैं। Yes, done. Should I move ahead? Now, what happens in case of division? Division थोड़ा सा अलग है. Z1 upon Z2 अगर मुझे करना है, so A1 plus IB1 upon A2 plus IB2. इसको कैसे ऑपरेट करोगे? इसको ऑपरेट करते वक्त, इसको सॉल्व करते वक्त you will have to multiply by its conjugate in numerator and denominator. Okay, उसके conjugate से हमें ऊपर नीचे multiply करना पड़ेगा, ठीक है? So this is the way. अब इसको मैं simplify नहीं कर रही हूँ तो बहुत वो अजीब दिखेगा, I mean बहुत heavy दिखेगा वो. So, इतना नंबर्स के साथ वो थोड़ा सा सिंपल लगता है, तो अब भी मैं उसको एलैबोरेट नहीं कर रही हूँ. So, इसका भी नोट कर लो. बोलो, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट करना है क्या? हाँ, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे अपन मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? चलो, क्वेश्चन से इसका एसेंस आएगा. ये ऐसे ABCD से कुछ एसेंस नहीं आता इसका. ओके, सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2. क्या बोला उन्होंने? एक्सप्रेस द फॉलोइंग. In the form of A plus IB. ठीक है, तो first is 1 plus 2i minus 2 plus i. चलो, brackets I need to open, right? 1 into minus 2. कितना आया? 1 into minus 2 minus 2. 1 into i, this is i, plus 2i into minus 2, minus 4i, plus 2i into i, plus 2i square. सही है? Brackets open किया मैंने. अब minus 2 plus i minus 4i कितना हो जाएगा? Minus 3i. Very good. Then I square कितना होता है? कल ही हम लोगों ने देखा था I square का वैल्यू -1 होता है. लास्ट क्लास में हमने देखा था, राइट? सो दिस इज व्हाट, -2 minus 3i minus 2. सो रियल पार्ट्स को भी सॉल्व कर लो, -4 minus 3i. सो आई हैव रिटन दिस इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? A plus IB. ओके, सो देयरफॉर A plus IB is equal to
माइनस फोर माइनस थ्री आए एंड देयर फोर आई कैन से ए इज इक्वल टू माइनस फोर एंड बी इज इक्वल टू माइनस थ्री. ठीक है, सो दिस इज डन. सेकेंड ना, सेकेंड क्वेश्चन इज इन टर्म्स ऑफ डिविजन. ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज इन टर्म्स ऑफ डिविजन. आई इंटू फोर, फोर आई. आई इंटू थ्री आई, इट्स थ्री आई स्क्वायर. This is 1 minus i. ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 4i. i square minus 1 होता है, right? So इस वजह से ये क्या हो जाएगा, minus 3. i square क्या होता है, minus 1 होता है, so इस वजह से ये क्या हो जाएगा, minus 3 upon 1 minus i. बोलो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अभी अभी थोड़ी देर डिविजन में है ना. देखो डिनोमिनेटर में जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आता है ना, तो हमें उसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है. और हम सिंप्लीफाई उसको कैसे करते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग बाय इट्स कॉन्जुगेट. ओके, उसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय इट्स कॉन्जुगेट. सो 4i माइनस 3 अपॉन 1 माइनस i, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस i, 1 प्लस i. ठीक है, now what will happen, numerator numerator will get multiplied, 4i minus 3 and 1 plus i. I have a plus b, a minus b, so what it will be, a square minus b square. So yeah, a plus b and a minus b, a square minus b square. Now, let's open the brackets. 4i into 1, that becomes 4i. 4i into i, that becomes 4i square. Minus 3 into 1, that becomes minus 3. Minus 3 into i, that becomes minus 3i. Whole divided by 1 square minus i square. 1 square is 1. Minus I square is minus 1. ठीक है, now 4i minus 3i, that becomes i. ये i square क्या होता है, minus 1 होता है. हाँ, जब भी कभी i square को minus 1 यूज करोगे ना, write it here कि तुमने यूज किया है i square को minus 1. ओके, जब भी कभी तुम i square को minus 1 यूज करोगे, ब्रैकेट में लिखो कि I am using i square is equal to minus 1. So this is, this becomes minus 4 and this becomes minus 3. So it is minus 7. Minus minus, it will be plus. So this is 2. Okay. So what is this? This is minus 7 by 2 plus I by 2. So minus 7 by 2 plus I by 2 ko agar hum ए प्लस आई बी के साथ कंपेयर करेंगे, तो ए क्या आ जाएगा, माइनस सेवन बाई टू, एंड बी क्या आ जाएगा, वन बाई टू. मैम बोलो, हमें आई की वैल्यू पता है तो हम आई की वैल्यू भी थोड़ी डालते. आई की वैल्यू पता है तो आई की वैल्यू क्यों नहीं डालते, ये क्वेश्चन है. आई की वैल्यू पता है लेकिन अपन उस रूट ऑफ माइनस वन को पूरे चैप्टर में आई से ही ऑपरेट करते, बार बार आई की वैल्यू अपन रखेंगे नहीं वहां पे. वो आई की वैल्यू हमें, मतलब रूट ऑफ माइनस वन को ये स्टैंडर्ड है, वी राइट इट एज आई ओनली, बिकॉज बार बार रूट ऑफ माइनस वन लिखने से कुछ सेंस नहीं बनता है. सो टू रिप्रेजेंट दैट इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसलिए अपन आई लिखते हैं उसको, रूट ऑफ माइनस वन नहीं लिखते बार बार. ठीक है, हाँ, आई स्क्वायर को इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि वो मुझे रियल नंबर देता है ना, इस वजह से, दैट गिव्स अस रियल नंबर. एंड वी जनरली आई का मतलब टू थ्री, ये जो हायर पावर्स है ना, इसको अपन एज इट इज नहीं लिखते,
उसको अपन सॉल्व करके लिखते हैं, बट आई को अपन एज इट इज लिखते हैं, बट जब भी आई का पावर देखने को मिलेगा आई रेज टू फोर आई रेज टू फाइव, देन वी सब्स्टिट्यूट दैट पावर बाय इट्स वैल्यू. ओके, मतलब इमेजिनरी इसलिए हम आई लिखते हो. हाँ, मतलब आई के पावर्स आते हैं तो तुम्हें आई को आई के पावर्स को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. जैसे अगर यहाँ पे आई क्यूब आता तो मैं उसको माइनस आई लिखती थी, जैसे अगर आई रिच टू फोर आता तो मैं उसको वन लिखती थी, लेकिन हायर पावर्स को बस सिर्फ हमें सब्स्टिट्यूट करना है, आई को आई ही रखना है. ठीक है, देखो फटाफट. चलो अगला क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करना है. लिख के दे तुम्हें क्वेश्चन, टिल देन यू कैन ट्राई. Ma'am, your A is equal to minus 7 upon 2 and B is equal to I upon 2 or 1 upon 2? No, it should be 1 upon 2 because we are taking coefficient of I, no? Here I am taking coefficient of I as B. So here also I will have to take coefficient of I only. Okay? Done? Yes. Third question try करो, चलो फटाफट. Third question में कैसे proceed करोगे बोलो. नीचे वाले जो दो brackets दिख रहे हैं denominator में, पहले उसको solve करो, पहले उसको open करो. नीचे वाले जो denominator के जो brackets है ना, उसको पहले open करो. And then try to divide. Divide कैसे होगा? Conjugate से multiply करो. मैम 2 प्लस आई अपॉन 5 प्लस 5 आई आ रहा है. 2 प्लस आई अपॉन 5 प्लस 5 आई ऐसे आ रहा है. ओके ओके, चलो एक बार ओपन ब्रैकेट्स ओपन करके अपन वेरीफाई करते हैं उसके आंसर को. 3 इंटू 1 इट बिकम्स 3, 3 इंटू 2 आई इट बिकम्स 6 आई, देन माइनस आई इंटू 1 इट बिकम्स माइनस आई, minus I into 2I, it becomes minus 2I squared. So what is this 2 plus I upon 6I plus 6I minus I, it becomes plus 5I. And ye 3 hai, I square minus 1 rakhenge, so it becomes 3 plus 2. Theek hai? Ab yahan pe likhna padega side mein. Kya likhna padega? Ki humne use kiya isko I square ko. We have used I square equal to minus 1. So what is this 2 plus I upon 5 plus 5I? Tum batao kya karoge ab? What you will do next? Conjugate. Correct. Conjugate se upar niche multiply. Chalo, try to solve this. Niche complex number chalta nahi hai hame. Hame uske conjugate se upar niche multiply karna padega.
15 minus 5y upon 50. Very good. Perfect answer. Chalo. So let's simplify this. 2 plus I, 5 minus 5i upon 5 plus 5i, 5 minus 5i. Now 2 5s are 10. 2 into minus 5i, it becomes minus 10i. I into 5, it is 5i. And I into minus 5, it's minus 5y squared upon, here I am having a plus b and a minus b. So it becomes a square minus b square. 10 minus 5, minus 10 plus 5, it becomes minus 5y. I square is minus 1. 5 ka square 25 minus 5 ka square 25 I square. Okay. So again we are substituting what? I square equal to minus 1. Okay. So ye minus minus plus ho jayega. It becomes 15 minus 5i. 25. Yeah, I square minus 1 hoga. Minus minus plus. It becomes 50. So 15 upon 50 minus 5i upon 50. You can simplify it further and then compare. What you can simplify is 5 threes are 5 tens are. So it becomes 3 by 10 minus I by 10. So now comparing 3 by 10 minus I by 10 with A plus IB. So A is 3 by 10 and B is minus 1 by 10. That's it. Okay. फोर्थ क्वेश्चन भी ट्राई करना है लेकिन पहले ऊपर वाला राइटिंग फिनिश कर दो फिर फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करो टाइम दूंगी मैं फोर्थ क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा बड़ा है बट सिंपल है चलो ट्राई टू सॉल्व दिस फटाफट चलो आया किसी का आंसर जो एकदम अपने क्लास पे सुपर फास्ट लोग हैं थर्टीन अपॉन ट्वेंटी नाइन एक ही टर्म आ रहा है हाँ आई आई कट हो जाता है बट 13 नहीं आता जरा कैलकुलेशन चेक करो 13 नहीं आता
मैम पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या? हाँ यस, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके क्या होगा, 3 plus 2i -8/29 आंसर होना चाहिए. किसी का 13/29 आया है ना, वो गलत है. अपॉन 2 minus 5i इंटू, ठीक है, इस तरीके से जाएगा अपना एक्सप्रेशन. तो ओपन द ब्रैकेट्स, 3 2s are 6, 3 5s are 15, 2 2s are 4, and this is 10i squared. Then 3 2s are 6 minus 15i minus 4i plus 10i squared. Whole divided by this is a plus b, a minus b, a square minus b square. ठीक है, अब सभी जगह पे जहां जहां पे आई स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना, वहां पे अपन माइनस आई स्क्वायर लगाएंगे. पहले तो देखो प्लस 15 है, माइनस 15 है, कैंसिल हो रहा है. माइनस 4 आई, एक मिनट, 3 5 15 2 2 4 3 5 माइनस ये माइनस एक मिनट माइनस 4 कट नहीं हो रहा है क्या अपना तो गड़बड़ है. अच्छा यहाँ पे प्लस 4 है आना चाहिए था, 2i into 2 ना, इट बिकम्स प्लस 4. सो प्लस 4 है, माइनस 4 है, कट हो गया. 6 and 6 12 plus 10 into i square minus 1 minus 1. 2 का square 4 minus 5 का square 25, i square is minus 1. सो हमने क्या किया यहाँ पे, i square को minus 1 रखा. सही है, आई स्क्वायर को हमने क्या किया, माइनस वन रखा. सो व्हाट इज दिस 12, ये कितना हो गया, माइनस 20 हो गया ना, ये माइनस 10 ये जो है दिस बिकम्स -20. -20 plus 12 इट बिकम्स -8. माइनस माइनस प्लस, सो इट इज 29. ओके नाउ कंपेयर दिस -8/29 प्लस आई नहीं है ना उसके पास, -8/29 के पास आई नहीं है, सो आई विल मेक इट 0i. सो व्हाट इज दिस, ए इज इक्वल टू -8/29 एंड बी इज इक्वल टू 0. दैट्स इट. ओके -3/4 + √-3 देखो यहां पे तुम्हारा आई का टर्म नहीं है, तो यू हैव टू इंट्रोड्यूस दैट. सो आई विल राइट इट एज 2 + √3i. चलो अब ट्राई करो. क्या करोगे बाय द वे यहाँ पे बोलो, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, सिंपल.
मैम ए इज इक्वल टू 11 अपॉन 19 एंड बी इज इक्वल टू 2 इन द रूट 3 अपॉन 19 सही है 2 रूट 3 अपॉन 19 वेरी गुड चलो लेट्स ट्राई 2 प्लस रूट 3 आई एंड 4 प्लस रूट 3 आई कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो ठीक है कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया सो 2 प्लस रूट 3 आई 4 माइनस रूट 3 आई अपॉन 4 प्लस रूट 3 आई 4 माइनस रूट 3 आई ओके तो क्या हो जाएगा फिर आगे टू इंटू फोर एट टू इंटू माइनस रूट थ्री माइनस टू रूट थ्री आए रूट थ्री इंटू फोर फोर रूट थ्री आए रूट थ्री इंटू माइनस रूट थ्री इट बिकम्स माइनस थ्री आई स्क्वायर बिकॉज व्हाट हैपेंस रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या हो जाता है थ्री हो जाता है और आई इंटू आई आई स्क्वायर हो गया सो नाउ आई एम हैविंग ए प्लस बी ए माइनस बी So it is a square minus b square. Okay. So what is my expression now? 8 plus minus 2 root 3 plus 4 root 3. Kitna ho jayega ye? Plus 2 root 3 I. And I square is minus 1. So minus minus plus. 4 का स्क्वायर 16 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 एंड आई स्क्वायर अगेन माइनस 1 सो यहां पे ना अपन रीजन लिखेंगे क्या रीजन लिखेंगे एट प्लस 3 11 प्लस 2 रूट 3 आई माइनस माइनस प्लस हो गया आई गॉट 19 सो 11 बाय 19 प्लस 2 root 3 I by 90. Okay. अगला क्वेश्चन दे दू यस फिफ्थ क्वेश्चन डन फिफ्थ क्वेश्चन सिंपल था इनफैक्ट पहले वाले क्वेश्चन थोड़े बहुत डिफिकल्ट थे फिफ्थ वाज सिंपल सिक्स्थ टू प्लस थ्री आई एंड ये तो बहुत हल्का फुल्का क्वेश्चन है अच्छा हमने यहाँ पे उसको ए प्लस आई बी के साथ कंपेयर नहीं किया क्या टू रूट थ्री आई Equal to 9 by 19 equal to a plus ib. So a is 11 by 19 and b is 2 root 3 by 19. Chalo, sixth question. Thirteen aa raha hai? Yes. Very good. Then what is A? What is B? A is equal to 13. B is equal to what? B is equal to what? Zero. Zero. Correct. B hai nahi to zero. So, 2 twos are 4. 2 into minus 3, minus 6i. 3i into 2, it's again 6i. Plus 3i into minus 3i, it is minus 9i squared. So this is minus 6 plus 6 will go 4 minus 9. I square is minus 1.
that is, so 13 plus 0 I can be compared with A plus IB. And therefore, what I am having, A is equal to 13 and B is equal to 0. Seventh. 4 into I raised to 8 minus 3 into I raised to 9 plus 3 upon 3 into I raised to 11 minus 4 into I raised to 10 minus 2. Chalo, try to solve this. कोशिश करो. Powers of I हमने पिछले क्लास में देखा था ना. So try to solve this. चलो आया किसी का आंसर. चलो आई रेज टू एट. वॉट इज आई रेज टू एट? पहले कैलकुलेट करके लेते हैं सारे पावर्स. आई रेज टू एट इज वॉट? I raised to 4 into 2. और I raised to 4 in क्या था? 1 था. कल हमने देखा. I raised to 9 is what? I raised to 4 into 2 plus 1. तो ये क्या होता है? I होता है. पिछले क्लास में देखा था 4n plus 1 is I. I raised to 11. I raised to 11 is what? I raised to 4 into 2 plus 3. So what is this? I cube. That is minus I होता है. मतलब 4n plus 3, I raised to 4n plus 3 is minus. Then I raised to 10, I raised to 10 कैसे लिखोगे? 4 into 2 plus 2, which is minus 1, है ना? I raised to 4n plus 2 क्या होता है? Minus 1 होता है. Now substitute all these values in your given expression. So 4 into I raised to 8, I raised to 8 is 1. 3 into I raised to 9, I raised to 9 is I. Plus 3 upon, kya hai niche? I raised to 11, na? I raised to 11 is minus I. I raised to 10 is minus 1, minus 2 as it is. So 4 minus 3i plus 3 upon minus 3i plus 4 minus 2. So 7 minus 3i upon 4 minus 2 kitna ho jayega? 2 minus 3i.
सो इस 2 माइनस 3 आई को हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई. ओके, सो दैट आई विल बी एबल टू सॉल्व इट. उस पॉइंट पे आके रुकना नहीं है, नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर है भूलो मत. जब भी कभी नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो अपन क्या करते हैं, उसको कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं. डोंट फॉरगेट दिस. ठीक है, तो क्या होगा फिर ये 7 × 2 = 14, 7 × 3i plus 21i minus 3 × + 2 it is minus 6i. Minus 3 × + 3, it is minus 9i squared. A plus B, A minus B, A square minus B square. So, ये कितना आया? 15, है ना? And ये minus 1 होता है, तो minus minus plus हो जाएगा. 14 plus 9 plus, this is how much? 15i. 2 का square, 4. माइनस 3 का स्क्वायर 9 आई स्क्वायर. आई स्क्वायर कितना लिखेंगे अपन? माइनस 1 लिखेंगे ना, तो कॉमन रीजन लिख लेते हैं. कितना आया ये 13 प्लस 15 आई अपॉन 4 माइनस 9 माइनस 1. सो हाउ मच इज दिस? कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, 23 चाहिए था यहाँ पे. अपॉन 13, है ना? सो अगर 23 प्लस 15i अपॉन 13 को हमने a प्लस ib के साथ कंपेयर किया, तो a मिल जाएगा 23 अपॉन 13 एंड b मिल जाएगा 15 अपॉन 13. दैट्स इट. ओके, सो पावर्स ऑफ i इंपॉर्टेंट. चल आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करोगे? अगला क्वेश्चन है ये, लास्ट था ये. चलो क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो नाइस. शो दैट 1 प्लस सॉरी माइनस 1 प्लस रूट 3 आई क्यू इज ए रियल नंबर. चलो ट्राई करो फटाफट. हिंट दे दू? हिंट में a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है तुम्हें. a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये फॉर्मूला लगाना है.
2. हाँ, proved. The answer is 2. No, answer is not 2. Check करो एक बार. आया किसी का? Yes, साक्षी. चलो a प्लस आई बी ना, माइनस वन प्लस रूट थ्री आई. सो सब्स्टिट्यूट माइनस वन इन प्लेस ऑफ a एंड सब्स्टिट्यूट रूट थ्री आई इन प्लेस ऑफ b. सो माइनस वन का क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर रूट थ्री आई प्लस थ्री इंटू माइनस वन b इंटू रूट थ्री आई स्क्वायर प्लस eight. हाँ, eight is the answer. Very good. सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, वन का क्यूब माइनस वन का स्क्वायर वन ना, तो ये थ्री रूट थ्री आई हो जाएगा. अगेन दिस इज माइनस थ्री रूट थ्री आई स्क्वायर एंड दिस इज रूट थ्री का क्यूब आई का क्यूब. सो अगले स्टेप में वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन एंड आई क्यूब इज इक्वल टू माइनस आई. सो दिस इज माइनस वन प्लस थ्री रूट थ्री आई. आई स्क्वायर इज माइनस वन ना, माइनस माइनस प्लस. रूट थ्री का क्यूब क्या होगा? रूट थ्री का क्यूब अगर तुम्हें फाइंड करना है तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री है ना, थ्री रूट थ्री. सो रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या होता है? थ्री होता है और ये रूट थ्री है सिटीज. सो रूट थ्री का क्यूब इज थ्री रूट थ्री एंड आई क्यूब इज माइनस आई. ठीक है, सो माइनस वन प्लस थ्री रूट थ्री माइनस, एक मिनट कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? सही है. ओ यहाँ पे थ्री चाहिए था ना, ये माइनस थ्री आया और ये रूट थ्री का स्क्वायर थ्री होना चाहिए था ना, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. सो ये सही है, ये सही है, दिस बिकम्स प्लस नाइन. ओके, यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक था, रूट थ्री का स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, आई का स्क्वायर आई स्क्वायर. सो आई स्क्वायर इज माइनस वन, सो माइनस माइनस प्लस थ्री इंटू थ्री नाइन. ठीक है, सो माइनस वन प्लस नाइन थ्री रूट थ्री आई माइनस थ्री रूट थ्री आई. सो माइनस एंड प्लस विल गो, दिस इज प्लस एट. सो प्लस एट, इसमें इमेजिनरी पार्ट है क्या? नो, देर इज नो इमेजिनरी पार्ट इन दिस. सो दैट मीन्स आई हैव गॉट व्हाट? रियल नंबर. आई गॉट रियल नंबर मैम. हाँ, जीरो रियल नंबर है क्या? जीरो को रियल भी बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है, बिकॉज जीरो कैन बी रिप्रेजेंटेड एज जीरो प्लस जीरो आई आल्सो, है ना? जीरो इज यूनिवर्सल. चलो डन. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. विल कंटिन्यू टुमारो एट द सेम टाइम. ठीक है, टाइम पे ज्वाइन करो, थोड़ा सा लेट ज्वाइन करते हो यार तुम लोग, टाइम पे ज्वाइन किया करो जरा.